हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं पालक पनीर की रेसिपी बना रही हूँ, तो उसके लिए मैंने यहाँ 250 ग्राम पालक को तोड़ के धो के ले लिया है। मैंने इसकी स्टेम को नहीं हटाया है, क्योंकि इसकी स्टेम जो है जब इसे बॉयल करते हैं तो वो भी सॉफ्ट हो जाती है। तो अब हम इसे बॉयल करेंगे। अब इस तरह से सारी पालक को मैंने पानी में डाल दिया है। अब इसे थोड़ा सॉफ्ट होने के लिए छोड़ देंगे, इसमें इसको एकदम बॉयल नहीं करेंगे, बस इसे सॉफ्ट होने तक के लिए छोड़ेंगे। अब यहाँ हमारा ऑयल गर्म हो गया, अब इसमें हम हींग डालेंगे। अब हमारा जीरा छटक गया है, अब हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे। अब हम इसमें थोड़ी अदरक डालेंगे। अब मैंने इसमें 12 कलियां कटी हुई जो है लहसुन की डाल दूंगी। अब हम इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इस स्टेज पे मैं एक मीडियम साइज जो है चॉप की हुई अनियन डालूंगी। अब मैं अनियन को जो है हल्का गुलाबी होने तक पकने दूंगी, इसे ढक दूंगी मैं। अब मैं देख रही हूँ कि मेरी जो है ये पालक अच्छी तरह से जो है गल गई है, डंठल इसकी। पालक को जो है ठंडे पानी में ट्रांसफर कर दूंगी, जिससे इसका कलर चेंज ना हो। इसे हम आइस डाल के भी ट्रांसफर कर सकते हैं इसका ग्रीन कलर मेंटेन करने के लिए, बट इस समय सर्दियों का सीजन है इसलिए वैसे ही पानी ठंडा है, इसलिए मैं इसमें आइस क्यूब का यूज नहीं कर रही। अब इस तरह से सारी पालक जो है हम इस बाउल में ठंडे पानी में ट्रांसफर कर लेंगे, जिससे इसका ग्रीन कलर मेंटेन रहेगा। अब मैं इस पालक को जो है ठंडी हो इस पालक को जो ठंडी हो चुकी है, अब मैं इसे मिक्सी में ट्रांसफर करके दरदरा पीस लूंगी। एक दो राउंड ही चलाऊंगी, जिससे जो है इसका पेस्ट ना बने। पालक दरदरी पिसा है, जिससे अच्छा टेक्स्चर रहता है पालक का। अब यह मेरी प्याज हल्की गुलाबी हो गई है, अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूंगी। अब मैं इसमें 1/2 टेबल स्पून हल्दी ऐड करूंगी, इसमें धनिया ऐड कर दूंगी। अब मैं ये 1/2 टेबल स्पून से थोड़ा कम ही लाल मिर्च पाउडर ऐड करूंगी, और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करके 2 मिनट के लिए छोड़ दूंगी ढक के। यहाँ पे मैंने पालक को दरदरा पीस लिया है। अब 2 मिनट हो चुका है, हमारी अनियन पक के रेडी है मसाले के साथ। अब इस स्टेप पे इसमें हम 1 बड़ी साइज का टमाटर ऐड कर रहे हैं। मैंने इसको बारीक चॉप कर लिया है, आप इसकी प्यूरी भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं 1 टेबल स्पून साल्ट ऐड कर रही हूँ, आप कम ज़्यादा जिस हिसाब से साल्ट खाते हो ऐड कर सकते हैं। इससे टमाटर जो है बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है स्पाइसेस के साथ, अनियन के साथ, और जो है बहुत जल्दी से गल जाता है अच्छे से। अब मैं इसे फिर से 3 मिनट के लिए ढक के पका लूँगी। अब मैं इसे फिर से 3 मिनट के लिए ढक के पकने को छोड़ दूँ। अब आप इस पनीर को ऐसे भी फ्राई कर सकते हैं, या फिर जो है आप इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर या लाल मिर्च पाउडर मिक्स करके भी फ्राई कर सकते हैं। अब हमारा यहाँ ऑयल गर्म हो गया, अब एक एक करके हम इसमें पनीर के पीसेस को डाल देंगे। अब हम सारे पनीर के पीसेस को फ्राई कर लेंगे। मैंने पनीर के पीसेस को पलट लिया है। यहाँ पे अब हमारा टमाटर अच्छी तरह से रेडी हो गया है। कढ़ाई को पूरी तरह से स्पाइसेस में तेल छोड़ दिया है। अब इस स्टेप पे हम इसमें पालक ऐड कर देंगे। देखिए पालक का कितना ही अच्छा कलर आया है, देख सकते हैं। अब पालक को अच्छी तरह से मिक्स करके फिर से हम इसे 4 मिनट के लिए पकने को छोड़ देंगे। अब यहाँ हमारा पनीर अच्छे से पक के रेडी हो गया, अब हम इसे निकाल लेंगे। इसे बहुत ज्यादा नहीं पकाते हैं, नहीं तो ये टाइट हो जाता है तो खाने में मजा नहीं आता। अब मैं पनीर को यहाँ एक प्लेट में निकाल ली हूँ।
अब इस स्टेप पे मैं इसमें हाफ टेबल स्पून गरम मसाला ऐड करूंगी, उसको अच्छे से मिक्स करके फिर से जो है 2-3 मिनट के लिए पकने को छोड़ दूंगी। अब ग्रेवी को थोड़ा सा थिन करने के लिए जो पालक बॉयल करते हुए जो पानी बचा था, बॉयल्ड पालक का पानी, उसे मैं यहाँ ऐड कर दूंगी, इससे ग्रेवी थोड़ी थिन हो जाए, पतली हो जाए। अब हमारा ये ग्रेवी अच्छे से पक गया है। अब इस स्टेप पे हम इसमें पनीर क्यूब्स डाल देंगे अच्छे से। अब हम इन्हें अच्छे से चला देंगे और फिर से जो है इसे 2-3 मिनट के लिए पकने को छोड़ देंगे। अब हमारे ये पालक पनीर बनके रेडी हो गया है। अब बस हमें इसमें एक तड़का लगाना है। अब मैंने एक तड़का पैन चढ़ा दिया गैस पे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी हींग और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। अब ये तड़का लगाने के लिए रेडी हो गया है। अब हम अपनी पालक को एक बाउल में निकाल लेंगे। अब ये हमारा पालक पनीर बन के रेडी है और अब हमारा तड़का भी रेडी है। अब आप देख रहे होंगे कितना बढ़िया पालक पनीर बन के रेडी हो गया है। और अब ये हमारी पालक पनीर की रेसिपी बन के तैयार है।